हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, न थके अभी पैर है, न थके अभी पैर है, न हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए कोशिश जारी है। दोस्तों, ट्राई अंटिल डोंट सक्सीड, ठीक है। और आपकी इसी कोशिश में हम छोटी सी मदद आप लोगों को कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज के जरिए। आने वाली जो दोस्तों रिक्रूटमेंट्स हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स अभी पेंडिंग है जो डेफिनेटली फ्यूचर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उस रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहें, इसलिए हम यहां पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर सीरीज जिसमें हम आप लोगों को टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 दोस्तों ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अब ये लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों जो आप यहां पे देख रहे हैं। लेक्चर 1 में दोस्तों हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में कुछ और हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सॉल्व करेंगे। हम आज आगे की ओर जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो आपको आमतौर पे बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है यहां पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑकर्स व्हेन अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एक्सपांड रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दोस्तों यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, भाई इसका आंसर भी आएगा, मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहां पे इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस तो सॉल्व हो, साथ साथ आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर उसमें अगर एक हमारे पास गैस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑकर्स व्हेन अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एक्सपांड रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब गैस दोस्तों एक्सपांड हो रही है, मतलब पिस्टन आगे की ओर जाएगा, प्रेशर क्या है दोस्तों कॉन्स्टेंट है, पिस्टन मूव किया, गैस एक्सपांड हुआ, पिस्टन आगे की ओर गया, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अब दोस्तों गैस को अगर मुझे एक्सपांड करवाना है तो गैस एक्सपांड कैसे होगा भाई, जब इस गैस को मैं हीट सप्लाई करूंगा ना, तब जाके ये गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। ओके, यहां पर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, डजंट मैटर, बट गैस एक्सपांड होनी चाहिए ना भाई, एक्सपांशन के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जब हीट सप्लाई करेंगे गैस को एनर्जी मिलेगा, तभी गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा, पिस्टन को धक्का मारेगा, पिस्टन आगे जाएगा। तो यहां पर ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑकर्स व्हेन अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एक्सपांड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपांड कब होगा, व्हेन हीट इज एडेड टू द गैस, जब हम गैस को क्या करेंगे दोस्तों, हीट सप्लाई करेंगे, तब ये गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टेट्स दैट फॉर अ साइकिल दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया दोस्तों, जूल्स लॉ के बारे में पूछा गया, जूल्स लॉ। जूल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जूल्स ने अलग अलग लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इन्होंने दिया है दोस्तों। ओके, इसके बाद इसके अलावा दोस्तों जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दोस्तों दिया है जूल ने, और वो फेमस स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी जिसको यू से दिखाया जाता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर ऑनली, मतलब जो गैस का इंटरनल एनर्जी है दोस्तों वो किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। एक गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर कम होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इसको कहा जाता है दोस्तों क्या, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों। और यहां पे क्या पूछा गया, जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टेट्स दैट फॉर अ साइकिल चेंज ऑफ अ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ अ टेम्परेचर। अब दोस्तों साइकिल के लिए पूछा गया, साइकिल के लिए जूल्स लॉ क्या कहता है, ये एक अलग स्टेटमेंट है जूल्स का। साइकिल के लिए जूल ने क्या कहा है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोस्तों जूल ने हमें एक स्टेटमेंट दिया है जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। और वो स्टेटमेंट क्या दिया है साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोस्तों जूल ने, कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर। एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हम सिस्टम को जितना भी हीट सप्लाई करेंगे, बड़ी ईमानदारी से
सिस्टम उस पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करके हमें वापस दे देगा। ये कहा है जूल ने साइकिल के लिए। साइकिल क्या होती है आपको पता है ना दोस्तों, जो जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये सबके सब क्या है दोस्तों, साइकिल है। उस साइकिल के लिए जूल ने क्या कहा है, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं फॉर अ साइकिल। तो यहां पे क्या आएगा, सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या दोस्तों, क्लियर है क्या आप लोगों को, ऑप्शन डी क्या आएगा दोस्तों, यहां पे हमारा राइट आंसर आएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गिवन बाय, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दोस्तों, जिसको एक रियल लाइफ प्रोसेस भी कहा जाता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दोस्तों। इस प्रोसेस के अंदर यहां पर अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो Q इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ये है दोस्तों क्या, फॉर्मूला ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो आपको याद रखना है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों ये जो टर्म मैंने लिखा है P1 V1 minus P2 V2 upon N minus 1, इसको कहा जाता है क्या, W poly, that means work done during the polytropic process, that means heat transfer for polytropic process is the product of two things, first one is this gamma minus N upon gamma minus 1 multiply by work done during the polytropic process, work done during the polytropic process। यहां पर देखिए कहां दिया है दोस्तों, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू वर्क डन, इंटू वर्क डन। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, सिंपल है दोस्तों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर, बॉयलर के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, जो हर डिवाइस के ऊपर अप्लीकेबल है, चाहे वो डिवाइस बॉयलर है, टर्बाइन है, नोजल है, पंप है, डिफ्यूजर है, कोई भी डिवाइस है, हम किसी भी डिवाइस के लिए वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है, तो H1 प्लस P1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ1 ओके डिवाइडेड बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस W, जहां पर H1 क्या है, एंथैल्पी, C1 स्क्वायर अपॉन 2000 मतलब काइनेटिक एनर्जी, वहां पर C वेलोसिटी है, GZ1 अपॉन 1000 ये है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर अपॉन में जो 1000 से डिवाइड किया ना, ओके वो क्यू किया टू कन्वर्ट जूल इनटू किलो जूल, क्यू क्या है हीट ट्रांसफर, सेम यहां पर दोस्तों एट इनलेट एंड एट आउटलेट दोस्तों। तो ये हमारा जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब यहां पर हमें सवाल पूछा गया बॉयलर के लिए, तो बॉयलर की अगर हम बात करते हैं, बॉयलर तो बॉयलर क्या है दोस्तों, बॉयलर होता है एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर, जहां पर हीट ट्रांसफर होती है दोस्तों, है ना, हॉट फ्लू गैसेस एंड पानी के बीच में, हमारा जो पानी है दोस्तों वो कन्वर्ट होता है हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम के अंदर, बरोबर है कि नहीं। लेकिन बॉयलर में किसी प्रकार का कोई भी वर्क डन होता है क्या दोस्तों, नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। बॉयलर के अंदर जो स्टीम जाती है और बाहर निकलती है उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, इनलेट एंड आउटलेट पे सेम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से दोनों कैंसल, पोटेंशियल एनर्जी सेम होने की वजह से दोनों भी कैंसल। तो बचा क्या दोस्तों यहां पे, यहां पे बचा H1, यहां पे बचा Q, यहां पे बचा क्या H2, तो यहां पे फाइनली Q इज इक्वल टू क्या आएगा, H2 माइनस H1। ये हो गया दोस्तों क्या, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर, फॉर अ बॉयलर दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहती है, तो ये क्वेश्चन हमें कहना चाहती है कि भाई जो बॉयलर है ना, बॉयलर के अंदर जब आप हीट सप्लाई करते हो, वो हीट जो है दोस्तों एंथैल्पी इंक्रीज करने का काम करती है। देखो ये क्वेश्चन कहीं पर है क्या यहाँ पे, यस है ना दोस्तों, बी ऑप्शन के अंदर Q = H2 - H1, हाँ या ना दोस्तों, ठीक है समझ में आ गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज Q = H2 - H1। समझ में आया क्या आप, क्लियर है, होप दोस्तों आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये समझ में आ रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ रहे हैं,
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा मुझे इंटरनली दोस्तों एक मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, है ना। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख भी रहे हैं, साथ साथ उनको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, ताकि इस लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू रख पाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम मारते हैं दोस्तों। ये एक न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलेंगे। आजकल दोस्तों क्या है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो लेवल ऑफ पेपर है वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है, तो आप लोगों को भी अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी भी वहां पर बढ़ चुकी है, तो न्यूमेरिकल्स में भी आप लोगों को, पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, न्यूमेरिकल वाला सेक्शन छोड़ के जाते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिशन इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। न्यूमेरिकल आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, लेकिन सिंपल सिंपल वन लाइनर आते हैं, ये भी न्यूमेरिकल बहुत आसान सरल वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए क्या बोला है, अ क्लोज गैसियन सिस्टम अंडरगोस अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ओके, टू बार इन विच 100 किलो जूल ऑफ हीट। तो कांस्टेंट प्रेशर है दोस्तों, और प्रेशर कितना है, 2 बार है, जो है लिखते जाएंगे, प्रेशर कितना है दोस्तों, 2 बार। अब दोस्तों यहां पर जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उस समय प्रेशर हम हमेशा किस में लेते हैं, किलो पास्कल में, किस में लेते हैं दोस्तों, किलो पास्कल में। तो प्रेशर दिया है बार में, इसको कन्वर्ट करेंगे किलो पास्कल में। अब आप कहोगे सर बार को किलो पास्कल में कैसे लाते हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपल, जितना भी बार प्रेशर दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 bar = 100 kilopascal, समझ में आया, तो 2 bar = 200 kilopascal, केपीए, किलो पास्कल दोस्तों, क्लियर है, ओके। चलिए 2 bar in which 100 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, क्यों, कितना दिया दोस्तों, 100 किलो जूल। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, यहां पर हीट जो है दोस्तों वो रिजेक्ट हो रही है, तो यहां पे साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए, ये हमारा सिस्टम है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पे हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट, ये वर्ड यहां पे ध्यान से देखिए, रिजेक्ट हो रही है, तो हीट क्या होगा दोस्तों, माइनस आएगा, माइनस 100 किलो जूल, समझ में आया क्या, क्लियर है, ओके। एंड द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 0.1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, मतलब V1 कितना है 0.2 एंड V2 कितना है दोस्तों 0.1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दोस्तों, क्लियर है इतना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोस्तों कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ऐसे प्रॉब्लम में दोस्तों जहां पर आपको हीट ट्रांसफर दिया है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, वर्क ट्रांसफर दिया है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला काम में आता है, सिंपल, हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल, देखो इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, ये तीन बातें हैं, जिसमें से कोई भी एक दिया है दूसरा निकालना है, कोई भी दो दिए हैं दूसरा निकालना है दोस्तों। तो हमेशा आपका फॉर्मूला एक ही लगेगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जब भी हीट ट्रांसफर दिया है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, वर्क ट्रांसफर दिया है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, ओके, इंटरनल एनर्जी दी है, हीट ट्रांसफर निकालना है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला आपका लगेगा, दिमाग में रख लेना दोस्तों हमेशा। अब सॉल्व कैसे होगा, तो हीट ट्रांसफर तो दिया है भाई, कितना दिया है, माइनस 100 लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी निकालना है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है दोस्तों, चेंज इन इंटरनल निकालना है, ओके। अब वर्क ट्रांसफर, कौन सा प्रोसेस बोला है भाई यहां पे, कौन सा प्रोसेस बोला है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हाँ या ना, कौन सा प्रोसेस बोला है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए दोस्तों, पी इंटू वी टू माइनस वी वन, P into V2 minus V1, this is the formula of a work done for a constant pressure process, constant pressure process, समझ में आ गया, clear है क्या दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, P into V2 minus V1, ये हो जाएगा क्या दोस्तों, work done हो जाएगा, work done, clear है, okay, चलिए, so minus 100 is equal to DU plus P कितना दिया है, 100 into V2 कितना है दोस्तों, V2 0.1 minus 0.2 दोस्तों, क्लियर है, 0.1 में से 0.2 गया तो माइनस 0.1 आएगा,
उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, -10 तो यहां पे कितना बचेगा, -10 बचेगा, -10 यहां आएगा तो क्या बनेगा, +10, यहां पर ऑलरेडी क्या है -100 है और +10 तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 90, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना होगा दोस्तों, सॉरी एक मिनट मैं कैलसी ले लेता हूं दोस्तों, कैलसी ले लेता हूं जस्ट अ मिनट, 0.1 -0.2 मल्टीप्लाई बाय ये 200 है दोस्तों, सॉरी है ये 200 तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 20 -20 यहां आएगा तो +20 -100 +20 मतलब -80 आंसर आएगा, -80 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्या बोला है, द स्टेटमेंट टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क इन अ साइकिल इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन अभी अभी हमने देखा दोस्तों दैट समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, ये जो लॉ है ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कौन सा लॉ है दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसने दिया है तो जूल भाई साहब ने दिया है दोस्तों, जूल नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये लॉ दिया है दोस्तों, तो सिंपली क्या है दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है दोस्तों ये फर्स्ट लॉ ठीक है चलिए नेक्स्ट, 1 kg ऑफ एयर इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल दोस्तों यहां पे जो आज मैंने 3-4 न्यूमेरिकल यहां पे ऐड किए हैं, न्यूमेरिकल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यहां पे, क्या बोला है 1 kg ऑफ एयर मास, दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है ना कि जो जो दिया है पहले लिखते जाइए, तो क्या बोला है 1 kg ऑफ एयर मास कितना दिया दोस्तों 1 kg, अब इसको लिखें चाहे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है भाई, 1 kg ऑफ एयर इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एट 1 bar एंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर दोस्तों पी कितना दिया है 1 bar मतलब 100 kilopascal, हाँ या ना दोस्तों, बार को किलो पास्कल में कैसे लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टेम्परेचर कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे लाते हैं, सिंपली दोस्तों जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसको केल्विन में लाने के लिए हम 273 उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो 27 के अंदर अगर मैं 273 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 300, तो हो जाएगा 300 केल्विन दोस्तों, 300 केल्विन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ओके चलिए तो यहां पे क्या बोला पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रीली, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, पिस्टन क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है उसमें पिस्टन क्या हो रहा है दोस्तों अपवर्ड मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो जब भी पिस्टन ऊपर की ओर फ्रीली जा रहा है या नीचे की ओर फ्रीली आ रहा है दोस्तों, या राइट या लेफ्ट में फ्रीली मूव कर रहा है, तो जब भी पिस्टन की फ्री मूवमेंट होती है ना उस समय आप अस्यूम कर लेना कि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लीजिए, व्हेनेवर देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दैट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या है दोस्तों वहां पे कांस्टेंट है, याद रहेगा दैट मींस दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दोस्तों, ओके एंड ड्यूरिंग हीट एडिशन ओके 2600 केल्विन, तो हीट ऐड कर रहे हैं टेम्परेचर कितना हो गया दोस्तों वहां पे 600 केल्विन हो गया, एक गैस है दोस्तों इसके अंदर जिसके अंदर हमने हीट सप्लाई किया है, पिस्टन ऊपर की ओर गया है, हीट सप्लाई किया पिस्टन ऊपर की ओर गया है दोस्तों फ्रीली, पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, बाद में टेम्परेचर हो गया दोस्तों 600 केल्विन, और प्रेशर पहले कितना था 1 bar और अभी भी कितना है 1 bar है दोस्तों, देन द हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी, इस प्रोसेस के दौरान हीट सप्लाई क्या होगा कितना होगा निकालिए भाई, हीट ट्रांसफर इस प्रोसेस में कितना होगा, तो दोस्तों कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होता है ना, ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ट्रांसफर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एम सी पी डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, याद रहेगा ठीक है चलिए, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता तो यहां पर आ जाता क्या CV आ जाता, CP M कितना दिया है? तो 1 दिया है भाई, CP का वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना भाई कितना 1.005 स्टैंडर्ड वैल्यू है CP की, CP की वैल्यू कितनी होती है भाई एंड CV की वैल्यू कितनी होती है 0.718, दोनों का यूनिट सेम होता है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों CP एंड CV की जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा, जो कि हमेशा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए,
तो कितना आएगा 1.005 इंटू डेल्टा टी, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 600 केल्विन है माइनस इनिशियल है 300 केल्विन। 600 में से 300 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा एंड 300 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 1.005, तो 1.005 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना आएगा 301.5 दोस्तों किलो जूल। ठीक है, इतना हीट ट्रांसफर होगा। कहां पर है भाई आंसर, है क्या है ना दोस्तों, ये क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ रियल गैस ओबेस परफेक्ट गैस लॉ एट वेरी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, अ रियल गैस ओबेस परफेक्ट गैस लॉ एट वेरी। एक रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, कब, जब दोस्तों टेम्परेचर होगा बहुत ही हाई एंड प्रेशर होगा बहुत ही लो। दोस्तों एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में क्या होता है ना दोस्तों, मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली मॉलिक्यूल का कोलिजन नहीं होता है दोस्तों वहां पे। इस वजह से एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह ओबे करती है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 1 and 3 दिया है क्या कहीं पे, यस, ऑप्शन बी के अंदर दिया है, 1 and 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए दोस्तों दिए गए स्टेटमेंट को देखिए। ओके, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, आइडियल गैस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल नॉन फ्लो मतलब क्या दोस्तों, क्लोज सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड नॉन फ्लो प्रोसेस है, मतलब क्लोज सिस्टम है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है दोस्तों, एडियाबेटिक मतलब क्या दोस्तों, जहां पर हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, जहां पर एंट्रोपी क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस की ये दो विशेषता है दोस्तों, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की, हीट ट्रांसफर जीरो, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। इसमें से कुछ बोला है क्या, इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ गैस नेसेसरीली जीरो। अरे गलत है भाई, प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो एंट्रोपी जीरो होगा, ओके, चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो होगा, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, लेकिन एंथैल्पी दोस्तों वो तो जीरो बिल्कुल नहीं होगा, एंथैल्पी या तो इंक्रीज भी करेगा या तो डिक्रीज भी करेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द हीट ट्रांसफर, ओके, और दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, ओके, इफ द प्रोसेस इज मतलब कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है, इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक देन द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ गैस इज नेसेसरीली जीरो, बिल्कुल सही है भाई, एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होता है और चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, जीरो। तो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों सही है, आप आंसर अभी भी अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है तो ए आंसर तो आएगा नहीं भाई, है ना, डी आंसर आएगा नहीं दोस्तों। दूसरा सही है तो बी भी आ सकता है एंड सी भी आ सकता है, देखते हैं आगे चल के। इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ गैस इज नेसेसरीली जीरो, ओके, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है दोस्तों तो यहां पर जो एंथैल्पी का चेंज है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है दोस्तों, है ना। डी एच इक्वल टू क्या होता है, एम सी पी डी टी, ये फॉर्मूला है दोस्तों चेंज ऑफ एंथैल्पी का, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू एम सी पी डी टी होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डी टी जीरो होगा एंड डी एच भी क्या होगा, जीरो होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू एंड थ्री। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू बॉडीज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड इन एन इंसुलेटेड कैलोरीमीटर, Which of the following quantities remain conserved? भाई, ये एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है, इसमें हमने दो बॉडीज को रख दिया, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, एक का टेम्परेचर T1, दूसरे का टेम्परेचर T2, T1 जो है T2 से क्या है दोस्तों, बड़ा है, भाई, ओके, क्लोज कंटेनर में रख दिया इनको, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब ना ही हीट अंदर आएगी ना ही हीट बाहर जाएगी दोस्तों, लेकिन इन दोनों के बीच में तो हीट ट्रांसफर होगा दोस्तों, हीट ट्रांसफर दोनों के बीच में होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। एक जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना, और इसका टेम्परेचर जिसका कम है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं। एंड आफ्टर सम टाइम दे बोथ विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होगा, न हीट आएगा न हीट जाएगा, इंसुलेटेड सिस्टम है, तो उसका जो एनर्जी है दोस्तों टोटल इंटरनल एनर्जी वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा,
समझ में आ गया क्या? नहीं, इनका इंटरनल एनर्जी, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ना भाई ये, है ना? ये कौन सा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, मींस टोटल इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो क्या आएगा? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज, ये क्या होगी? कंजर्व्ड होगी दोस्तों। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या दोस्तों? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक साइकिल? थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों? थर्मोडायनेमिक साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस दोस्तों, क्या होता है थोड़ा सा बताता हूं। एक प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, जो जहां से शुरू करेगा वहीं से आपके खत्म करेगा, उसे साइकिल कहते हैं भाई। जैसे ये एक साइकिल हो गई, वन से शुरू हुआ, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से वापस वन, तो ये क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। ठीक है, एक साइकिल बनाने के लिए दोस्तों हमें कम से कम कितने प्रोसेसेस चाहिए? तो कम से कम दो प्रोसेस चाहिए। वन से गए टू पे और टू से आ गए वापस वन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर टू फॉर्म अ साइकिल इज टू। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोस्तों, एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम को जितना भी हीट सप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में दोस्तों, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या यहां पे बोला गया। द चेंज इन, हाँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोस्तों चेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों? हमेशा जीरो। क्योंकि देखो दोस्तों, यहां पर क्या है? P1, सपोज ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। ओके, तो P1 से हमने शुरू किया था, P2 पे गए, P3 पे गए, P4 पे गए, वापस कहां पे आ गए? P1 पे आ गए। तो पहले प्रेशर जितना था, प्रेशर वापस उतना ही है, तो चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ पे हुआ क्या? नहीं। प्रेशर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, द चेंज इन प्रॉपर्टी नॉट इक्वल टू जीरो, गलत है भाई। The net heat transfer is equal to net work transfer, ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। At least three processes are equal to, गलत है दोस्तों। At least three process चाहिए क्या? नहीं भाई, दो process वाला भी cycle बनता है। Both closed system and open system can perform cyclic process, नहीं दोस्तों। A cyclic process can be performed only by a closed system, closed system, open system दोस्तों cyclic process perform नहीं कर सकता है। इसलिए तो दोस्तों जब आप air standard cycles पढ़ते हो IC engine के अंदर, ऑटो डीजल ड्यूअल साइकिल, तो वहां पर एक आप अजम्पशन जरूर लेते हो, द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, लिया जाता है कि नहीं अजम्पशन? एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अजम्पशन आप पढ़िए दोस्तों, वहां पर एक अजम्पशन हमेशा लेते हैं दोस्तों, द सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, बिकॉज ओपन सिस्टम डज नॉट परफॉर्म द साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल, तो दोस्तों अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं, तो कार्नोट साइकिल में दोस्तों टोटल चार प्रोसेस होते हैं, फोर प्रोसेस, आउट ऑफ विच टू प्रोसेस आर आइसोथर्मल। दो कौन से होते हैं दोस्तों? आइसोथर्मल, एंड दो कौन से होते हैं दोस्तों? दो होते हैं एडियाबैटिक। अब अगर हम बात करें कार्नोट साइकिल में, तो कार्नोट साइकिल में पहला प्रोसेस होता है हीट एडिशन, दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों एक्सपांशन, तीसरा प्रोसेस होता है हीट रिजेक्शन, और चौथा प्रोसेस होता है दोस्तों आपका कौन सा? कंप्रेशन। हीट एडिशन, एक्सपांशन, हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन, दोस्तों ये चार प्रोसेस होते हैं। ओके, लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर क्या होता है? जीरो। तो हीट ट्रांसफर तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हो नहीं सकता है, इसलिए हीट ट्रांसफर हमेशा कार्नोट साइकिल में कहां पर होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस पे हीट ट्रांसफर होता है दोस्तों? आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ गया? So during which of the following process heat rejection takes place in Carnot cycle? तो आंसर आएगा दोस्तों क्या? Constant temperature, that is isothermal. ठीक है? Carnot cycle में दोस्तों heat addition and heat rejection दोनों के दोनों दोस्तों isothermal process के दौरान ही होते हैं। ठीक है, चलिए next दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ओके, यहां पर processes दिए हुए हैं और Carnot cycle भी यहां पर निकाली गई है। आप चाहें तो आपके रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोटा सा न्यूमेरिकल दोस्तों, बहुत सिंपल सा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अ हीट इंजन रिसीव्स 500 किलो जूल ऑफ हीट। कितना हीट रिसीव करे दोस्तों? हीट सप्लाई कितना हीट इंजन में? 500 किलो जूल। ओके, फ्रॉम 600 केल्विन, मतलब T1 कितना है दोस्तों? 600 केल्विन, ध्यान से देखिएगा। ओके, एंड इफ द रिजेक्ट हीट ऑफ 300 किलो जूल, हीट रिजेक्शन कितना है दोस्तों यहां पे? 300 किलो जूल, किलो जूल, 227 डिग्री सेल्सियस सिंक। तो
तो सिंक में रिजेक्ट की जा रही हीट, जहां का टेम्परेचर कितना दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन है ना, कन्वर्जन आपको पता है दोस्तों 300 केल्विन। तो अब दोस्तों यहां पर मुझे क्या निकालना है, ओके सिंपल हमारा दिया यहां पे ऐसा हीट इंजन, ये सोर्स ये सिंक, सोर्स का टेम्परेचर कितना है भाई 600 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यहां पर हीट सप्लाई कितना है दोस्तों 500, हीट रिजेक्शन कितना है दोस्तों 300। और यहां पर बोला गया है दोस्तों क्या निकालो, एफिशिएंसी निकालो। अब बहुत स्टूडेंट दोस्तों यहां पर क्या करते हैं, देखो एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक फॉर्मूला दोस्तों जो टेम्परेचर के रूप में होता है जिसको मैं लिख देता हूं थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 - T2 / T1, सिंपल सा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला थर्मल एफिशिएंसी का क्या होता है दोस्तों, यहां पे हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब ये जो प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम की मदद से हम तो यहां पे दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम T1 - T2 / T1 भी यूज कर सकते हैं, QS - QR / QS भी यूज कर सकते हैं। सॉरी क्योंकि भाई यहां पर T1 भी दिया है, यहां पर T2 भी दिया है दोस्तों, दोनों चीजें यहां पर दी गई है, तो हम कोई भी फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है कि नहीं, दोनों फॉर्मूला यूज करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप दोनों फॉर्मूला यूज करके एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू अलग अलग आएगी। जब आप T1 - T2 / T1 यहां पे आप जब एफिशिएंसी निकालोगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी 50%। मैंने एफिशिएंसी डायरेक्ट बता दिया, कैसे मैंने कैलकुलेट किया दोस्तों मन ही मन में, जब भी T1 की वैल्यू T2 से डबल होती है ना, T1 की वैल्यू T2 से डबल होती है तो एफिशिएंसी हमेशा 50% होती है। ओके अब दोस्तों हम यहां पे निकालते हैं ये वाले फॉर्मूले से एफिशिएंसी, QS - QR / QS, तो QS कितना दिया दोस्तों यहां पे 500, माइनस QR कितना दिया दोस्तों यहां पे 300 डिवाइडेड बाय क्या आएगा QS 500, मतलब 500 में से 300 गया तो 200 डिवाइडेड बाय 500 200 कितना आएगा दोस्तों यहां पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2/5 × 100 मतलब 40% एफिशिएंसी कितना आया 40%। तो दो अलग अलग एफिशिएंसी हमें मिल रही है एक ही इंजन की, ऐसा हो सकता है क्या भाई, नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, एक इंजन की तो एक एफिशिएंसी होगी, टेम्परेचर की मदद से अलग निकल रही है, क्यूएस क्यूआर माइनस की वजह से अलग निकल रही है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है। देखिए अगर हम यहां पे देखते हैं तो प्रॉब्लम में देखो तो आपको 50% भी गिवन है 40% भी गिवन है दोस्तों, तो सही आंसर कौन सा है। प्रॉब्लम में बहुत बार हम मिस्टेक क्या करते हैं कि चलो हमने कैलकुलेट कर लिया और अगर सेम आंसर हमें ऑप्शन में दिख गया हम खुश हो जाते हैं, अरे यार मेरा सही आंसर है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना देन ऑलवेज यू हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर QS - QR / QS का फॉर्मूला अप्लीकेबल है तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40%। क्लियर है क्या, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्या बोला है देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टू कार्नोट इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ओके दो कार्नोट इंजन है दोस्तों जो कि T1 एंड T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर रही है। ओके ठीक है, पेट्रोल इज द वर्किंग फ्लूइड इन इंजन ए एंड केरोसिन इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द इंजन बी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, टू इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन द 200 एंड, सॉरी दोस्तों यहां पर दो इंजन है दोस्तों जो सेम टेम्परेचर पे काम कर रही है, दोनों इंजन का दोस्तों इनिशियल टेम्परेचर 200 है एंड फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक इंजन के अंदर डाला गया है पेट्रोल और दूसरी इंजन के अंदर डाला गया है दोस्तों क्या केरोसिन दोस्तों, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इंजन है, कार्नोट इंजन दोस्तों, कार्नोट, दोनों की दोनों कार्नोट इंजन है दोस्तों। कार्नोट भाई साहब ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था जो मैं आपको अभी बताता हूं, कार्नोट ने क्या कहा था कि भाई देखो जो मेरी इंजन है ना दोस्तों, जो मैंने इंजन बनाई है, मैंने नहीं कार्नोट ने, सादी कार्नोट 1824 में बनाई थी, ठीक है, तो मैंने जो इंजन बनाई है उस इंजन के अंदर आप अगर ऐसी मेरी बनाई हुई 10 इंजन लेते हो और 10 की 10 इंजन अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर 10 की 10 इंजन का इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम है तो आप 10 की 10 इंजन में कौन सा भी फ्यूल डाल दो सभी की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड मतलब पेट्रोल
डीजल केरोसिन पे डिपेंड नहीं करती है. द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन एंड टेम्परेचर T1 एंड T2. जब तक T1 एंड T2 सेम होगा तब तक एफिशिएंसी भी क्या होगी दोस्तों, सेम होगी. तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए ग्रेटर गलत आएगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन बी ग्रेटर गलत आएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आएगा, सही आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. दोस्तों क्लियर है क्या दोस्तों, समझ में आया क्या? ठीक है ना, तो यहां पर राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. चलिए अगला देखते हैं यहां पर क्या है. यस, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों. ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यहां पर जो दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से कौन से सही है. नो इंजन इज 100% एफिशिएंट दोस्तों, बिल्कुल सही है. कार्नोट ने कहा था कि 100% एफिशिएंसी अचीव करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें सिखाया है. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक रजिस्टर्ड एंड आइडेंटिकल एफिशिएंसी, अभी अभी हमने देखा दोस्तों कार्नोट थ्योरम ने क्या कहा है. मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो इंजन जिसका इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम है दोस्तों, ओके, उनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम. तो दूसरा भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है दोस्तों, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी. द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक एज वेल एज द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, नहीं दोस्तों. The efficiency of a reversible heat engine depend on the temperature of source and sink. सही है. लेकिन उसके बाद जो बोला उसने, as well as the nature of the working substance, ये गलत है दोस्तों. तो ये जो है इस statement को गलत बना देता है. The efficiency of Carnot engine does not depend upon the working substance. ठीक है. तो तीसरा गलत हो गया. तीसरा गलत है दोस्तों. तीसरा गलत है, बी नहीं आएगा. तीसरा गलत है दोस्तों, डी नहीं आएगा. पहला सही नहीं दिया तो सी नहीं आएगा. आंसर आ गया दोस्तों क्या, ए वन एंड टू आ गया. लेकिन चौथा स्टेटमेंट भी आप पढ़ लो दोस्तों, क्या बोला है. अ रेफ्रिजरेटर कैन पंप आउट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस टू कूल इट डाउन टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. दोस्तों देखिए यहां पर अ रेफ्रिजरेटर कैन पंप आउट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस टू कूल इट डाउन, बिल्कुल सही है. एक रेफ्रिजरेटर दोस्तों जो है वो हीट को निकाल के बाहर फेंकता है ताकि वो रेफ्रिजरेटर को ठंडा रख सके, बिल्कुल सही है. टू कूल इट डाउन बट टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब कितना, जीरो केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस. दोस्तों कोई भी रेफ्रिजरेटर जीरो केल्विन का टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकता है भाई, नॉट पॉसिबल. तो ये जो यहां पर लाइन दिया है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके, एब्सोल्यूट जीरो अल्टीमेटली, ये इस स्टेटमेंट को गलत बना देता है. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर्थ वाला भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग स्टेटमेंट है. यहां पे समझ में आ गया आप लोगों को. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके दोस्तों, ये सॉरी रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहां पे लगता है ये, है ना. चलिए ठीक है, यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं क्या बोलता है. The thermal efficiency of a reversible heat engine operating between two thermal reservoirs is maximum. The coefficient of performance COP of a refrigerator cycle operating between the same two reservoir will be. तो यहां पर दोस्तों आपको क्या पूछा गया है, relationship between, यहां पर दोस्तों आपको पूछा गया है क्या, relationship between COP of a refrigerator and efficiency of a engine. एक इंजन की एफिशिएंसी एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. तो यहां पर मैं रिलेशनशिप लिखता हूं दोस्तों, ओके, सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू दोस्तों 1/efficiency -1, ये रिलेशनशिप होता है. एक इंजन की एफिशिएंसी दोस्तों, सपोज एक इंजन हमारे पास है जिसका एफिशिएंसी है 25%. कितना एफिशिएंसी दोस्तों, 25%. हमें प्रॉब्लम दे दिया पेपर में कि भाई एक इंजन हमारे पास है जिसका एफिशिएंसी 25% है. अब यही इंजन दोस्तों, अगर हम इसी इंजन को एक रेफ्रिजरेटर की तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसी इंजन को हम रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए उस रेफ्रिजरेटर का सीओपी कितना होगा. तो इंजन की एफिशिएंसी में से आप रेफ्रिजरेटर का सीओपी कैसे निकालेंगे, तो इसका रिवर्स लोगे. तो 1/25% मतलब 1/0.25 मतलब कितना जाएगा, 4. तो ये क्या 4 आपका सीओपी हो जाएगा इंजन रेफ्रिजरेटर का, नहीं दोस्तों, ये 4 क्या होगा, ये 4 हो जाएगा सीओपी किसका, हीट पंप का. लेकिन हमें सीओपी किसका चाहिए, रेफ्रिजरेटर का. हमें पता है जो हीट सीओपी होता है हीट पंप का, वो रेफ्रिजरेटर के सीओपी से ज्यादा होता है.
कितना होता है वन से ज्यादा, तो इसमें से वन माइनस करेंगे माइनस वन, तो आंसर आएगा कितना थ्री। तो उसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बनता है दोस्तों, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन माइनस वन, माइनस वन दोस्तों याद रहेगा ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए वन अपॉन एफिशिएंसी माइनस वन ठीक है ना, वन अपॉन एफिशिएंसी माइनस वन ये आ जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर सीओपी ऑफ हीट पंप पूछा गया तो सिंपल वन अपॉन एफिशिएंसी, उस समय माइनस वन नहीं आएगा ठीक है, क्लियर है क्या। रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन ये आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या आएगा, सिंपल वन अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस दोस्तों यहाँ पे बढ़ेगा। साथ साथ प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूं, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का और हम मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से वीडियोस देखते रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए।